और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज हम ग्राम दलवारा में हैं और हमारे सदर विधायक, लोकप्रिय सदर विधायक राम रतन कुशवाहा जी, जो कि गांव-गांव जाके सांसद जी को वोट मांग रहे हैं और ऐसी तगड़ी धूप में विधायक जी घूम रहे हैं। तो आइए, विधायक जी का स्वागत है ग्राम दलवारा में। हाँ विधायक जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव बहुरूपियों से बचकर हमें अपने लोकप्रिय प्रत्याशी अनुराग शर्मा को जिताने के लिए काम करना है और ये तय है कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन हमको पिछला रिकॉर्ड इनका जो है 366,000 से जीते थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 500,000 तक जीत का पूर्ण लक्ष्य लिए हैं और उसको बढ़ाने के लिए हम गांव-गांव दरवाजे-दरवाजे पहुंचकर लोगों से मोदी जी की राम राम कह रहे हैं और अपनी बात कहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और जो भी समस्याएँ हैं चुनाव के बाद 4 जून को जब घोषणाएं हो जाएंगी उसके बाद हम अपने विधानसभा के प्रत्येक गांव की समस्या का अपनी डायरी में आकलन कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उनका निवारण करेंगे। अभी कल दिनांक 18 मई को 10 बजे सुबह सुवन के मैदान में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं। आप सबसे हमारा निवेदन है कि गृह मंत्री को सुनने अवश्य पहुँचिए और उनको सुन करके देश की दिशा और दशा तय करने का काम हम लोग करेंगे और भाजपा फिर से 400 पार पे पहुंचे। अभी तक हमने जो जैसा कहा हमारे मोदी जी ने, उस तरह की सीट हमारी जनता ने जीत के दी है। 14 में 272 पार का था, 282 सीट आई थी। फिर 19 इसमें आके 19 में हमने कहा था लक्ष्य 300 पार, 303 सीटें भाजपा अकेले को आई थी, गठबंधन को मिला के 330 सीटें हमारे पास रही। अब 330 सीट के बाद हमारे मोदी जी की इच्छा है कि हमारे 400 पार हो तो देश की जो मूलभूत समस्याएं उनका समाधान हम संख्या बल के आधार पर देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठ के जनता को समाधान दे सके। इसलिए आप सबसे निवेदन है कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह को सुनने तुमन मैदान पर पहुंचे और 20 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं और पहले नंबर पर हमारे शर्मा जी का चिन्ह है, कमल का निशान, उसके सामने का बटन दबाकर शर्मा जी को बहुतायत मतों से जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप तो गांव-गांव जाके अभियान चला रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मैं भी फील्ड में रहता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं टक्कर है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि टक्कर है, तय मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ, आपने देखा होगा 2022 में हमारे लिए कहते थे लोग जमानत जब्त होगी, लेकिन आप देखिए हमारी जनता ने 1,00,000 से अधिक मतों से जिताया।